अस्सलाम वालेकुम भाई, आज नाज़िश मलंग मौजूद है एक चर्च के बाहर। सबसे पहले तो हैप्पी ईस्टर टू ऑल माय क्रिश्चियन फ्रेंड्स और तमाम ही लोगों को। इसके साथ ही मैं बता दूं कि आज हम चर्च के बाहर इसलिए हैं कि आज 15वें रोज़े के दिन जब ईस्टर भी है, तो यहाँ पे जो ब्रायन है उसने, यानी कि यहाँ पे एक जो है एनजीओ वर्कर है ब्रायन, उन्होंने ये मुसलमानों के लिए और सबके लिए उन्होंने एक यहाँ पे रोज़ा अफ्तार का अहतमाम किया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हम सब जो हैं एज अ बीइंग अ ह्यूमन एक ही जैसे हैं और एक साथ ही, मतलब बगैर किसी तफरीक के हम एक साथ रहने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ अंदर दी सॉल्वेशन आर्मी की चर्च के अंदर और देखते हैं वहाँ पर अंदर सेटअप क्या है। आ जाए, ये आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे पूरा सेटअप इस वक्त लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी जो है दस्तखान लगेंगे, बल्कि दस्तखान लग चुके हैं और यहाँ पे अब जो है अफ्तार का सामान रखा जाएगा। और इसके साथ ही अब मैं जो है वो आपको अंदर दिखाऊंगी। यहाँ पर बैक साइड पे मेरे जो है वो हमारे एक भाई जो है शरबत बना रहे हैं, और थोड़ी देर पहले मैंने जो है वो बाकायदा बनाया भी था किस तरीके से शरबत बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त अंदाज से। तो भाई यहाँ पे ये बताएं कौन सा फ्लेवर है ये मैंगो। देख लिया आपने, बड़ी बड़ा ज़बरदस्त सा मैंगो फ्लेवर जो है उसका शरबत बन रहा है। बाकी चीज़ें आप मेरे साथ रहेंगे तो आप देखते जाएंगे कि जो है वो किस तरीके से ब्रायन ने यहाँ पे अरेंज किया है। ठीक है, चलें। भाई यहाँ पर जो है आप, हम ब्रायन के साथ मौजूद हैं और ब्रायन आप मुझे बताएं कि भाई क्या इसके पीछे क्या थ्योरी है कि आप जो है आज ईस्टर वाले दिन जो है आपने मुसलमानों के लिए अफ्तार का इंतजाम। मैम इससे पहले भी हम अफ्तार लगा चुके हैं। सबसे पहले हम लोग एक पिछले जुम्मे से पहले लगाया था, फिर हमने लगाया था कि गोरा कब्रिस्तान में जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का क्रॉस है, वो जैसे आप लोगों का जुम्मा अलविदा होता है, हमारा गुड फ्राइडे होता है, तो हमने गुड फ्राइडे के दिन अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलके एक जग जाती उनके। देखिए मज़हब पे सेकंड प्रायोरिटी है, पहले इंसान होता है। इंसान कुछ भी करे यार, अपना पड़ोसी का हक रखना चाहिए, इसके साथ बैठना चाहिए, उसके दुख दर्द में बैठना चाहिए, उसके साथ हेल्प आउट करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सी है। तो मुझे बताएं ब्रायन कि आज जो है वो अफ्तार डिनर में जो है आपने क्या क्या इंतजाम किए हैं। इस टेबल पे ये हम एक स्पेशल टेबल है बना हुआ है जो अभी खाली है, इस पे एक पैमला किचन की तरफ से एक स्पेशल केक आएगा। फिर मेरे पास एक्वाफिना की पानी की बोतलें हैं जो बहुत वो बहुत कम लोग पी रहे होते हैं, ज़्यादातर कराची के अंदर गंदा पानी मिलता है। वैसे ही मेरे पास ये बिरयानी है। फिर इसके अलावा हमारे पास ये थाल है जिसमें बिरयानी भी डलेगी। फिर एक थाल में हमारे पास फ्रूट्स भी हैं जैसे वाटरमेलन है। हाइजेनिक तौर पे मैंने इस पर जाली लगाई है कि मच्छियाँ ना बैठे, ये सब प्रॉपरली। क्योंकि जब आप किसी को खाना देते हो तो साफ दिया करो। और फिर प्लस हमारे पास खजूर भी हैं, इसके अलावा केले हैं, और ये है कि ये कहानी हमारी। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं ब्रायन कि इस काम में और कितने लोग आपका साथ दे रहे हैं। हमारे पास जो टीम में है वो ज़ेबा शनाज़ है जो सितारे तंबा इम्तियाज़ हैं, और इसके अलावा हमारे पास मकबूल भाई हैं, उनकी मिसेज़ हैं, अनिल है, क्रिस्टोफर है, सनी है, मैं हूँ, और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। और प्लस मेरे पास कुछ दोस्त यार हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात है फैमिली से ज़रूर सपोर्ट करती है कि यार मैं इस काम में लगा हूँ, मेरे से तंग नहीं करते कि यार पैसे कहाँ से आएंगे। वो ये देख रहे होते कि घर को, ये सवाल लेते कि यार ये एक नेकी पे लगा हुआ है, तो वो हेल्प आउट कर रहे होते घर को देखने पे। चलिए ये बहुत अच्छी बात है ब्रायन, अब जो है हम रोज़ा अफ्तार की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए अच्छी बात जो है रोज़ा अफ्तार के बाद जो है वो हम दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से सब लोग साथ बैठ के खाना खाने। ठीक है,
पहले तो यहाँ पे कम लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था यहाँ पर जो है वो सारी सरगर्मियाँ तेज़ होना शुरू हो गई। और स्पेशली जैसे कि आप देख रहे हैं कि थाल में जो है वो ब्रायन ने जिस तरीके से बताया था कि इफ्तार है और जो चने वाली बिरयानी है वो भी जो है निकाल के रखना शुरू कर दिया गया। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि कोई किसी से किसी का मज़हब नहीं पूछ रहा था, सब एक साथ बैठे हुए थे, बच्चे बड़े बूढ़े सभी अफराद। तो ये चीज़ जो है ना, ये वाकई में जो है एक बहुत बड़ी मिसाल है इस बात की कि आप जो है वो सिर्फ इस बात को ही प्रमोट करें कि इंसानियत जो है उसे वो कितनी अहम है इस वक्त दौरे हाजिर में स्पेशली। और साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लास में जो है वो शरबत भी जो है दे रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले बना रहे थे मैंगो फ्लेवर वाला शरबत। यहाँ पर ख़ास तौर पे अगर आप अंदर आते हैं, अंदर आके आपके पास हाथ धोने के लिए अलग इंतज़ाम मौजूद है, तो वहाँ से आप हाथ धोने के बाद आप दस्तरखान पर आके बैठें और उसके बाद जो है वो इफ्तार का हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर जो है यहाँ पे सिचुएशन है और बहुत ही साफ़ सुथरे अंदाज में सबके लिए एक ही जो है तरीके से इफ्तार यहाँ पर लगाई गई है। चलें जी, अब जो है वो इफ्तार का वक्त तकरीबन करीब है। यहाँ जहाँ दस्तरखान पे जो है वो अलग से बहुत सारे हर किस्म के लोग जो है मौजूद थे, वहीं पर बाहर में जो छोटे छोटे बच्चे गुजर रहे थे ना, वो भी यहाँ पर आकर जो है ना, उन्होंने ब्रायन ने उनको यहाँ पे बिठा दिया था। और वाकई में एक मिसाली दस्तरखान है ये। भाई हमने इफ्तार कर लिया है, हम खजूर खा चुके हैं और अब हम जो है वो पानी वानी पी रहे हैं। और उसके बाद ये देख रहे हैं आप के ब्रायन के इस दस्तरखान पे उम्र की, मज़हब की और रंग व नस्ल की कोई कैद नहीं है। तो ये लिटरली जो है एक बहुत बड़ा मैसेज है ईस्टर पे, और ये मैसेज जो है मुझे लगता है कि दुनिया में जाना चाहिए। इसलिए आज हम ब्रायन के दस्तरखान पे आए हैं और आप देख रहे हैं हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, पीछे यहाँ पे सारे मर्द भी हैं। ख़वातीन की जगह पीछे भी बनी हुई थी, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे ख़वातीन कम थी तो इसलिए मैं जो है यहीं पे बैठ गई हूँ। मेरे साथ एक पीछे फैमिली भी है, वो भी बैठे हुए हैं अफ्तार करने के लिए। और ये सबसे अच्छी, ये मेरे ख्याल है कि ये इस वक्त इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से पूरी दुनिया को जाने वाला मैसेज है। यहाँ आएँ और ब्रायन को सपोर्ट करें। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस मैसेज को फैलाने में ब्रायन की मदद करें कि सब इंसान बराबर हैं और सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत है। ठीक है, टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़। हमारी गुल्ले के नाजर जो सीस्टे का केक जो है काट, भैया मुझे ब्रायन ने कहा था कि नहीं, नहीं, आप खातून है इसलिए आप देखिए, वरना हमारी जेबा शनाज होती है वो काटती हैं, या हमारे कोई प्रीस्ट होते हैं वो एक्चुअली आज बिजी थे, तो मैंने कहा मैम से हाथों से कटवा दें, ये वही इंटरफेथ हम भी काट देते हैं। और ये केक पैमला किचन की तरफ से है। थैंक यू सो मच पैमला, बाकी मैं आपको केक बाकी में अच्छा लगेगा। जो है केक जो है वो ईस्टर के मौके पर तमाम ही लोग जो है वो इंजॉय करने वाले हैं। मतलब इसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि रंग नसल उम्र किसी चीज़ का कोई कैद नहीं है इस आपके दस्तरखान पे। डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है और ये बस आप डिस्ट्रीब्यूशन के बाद